हजारीबाग जिले के लगभग सारे स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी छात्र एवं शिक्षक गण कोविड-19 के नियमों का पालन करते दिखे। इस अवसर पर द नेटवर्क मीडिया के हजारीबाग संवाददाता अशोक कुमार ने कुम्हार टोली स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधान अध्यापक दिनेश कुमार मिश्र से बातचीत की। आइए सुनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश और राज्य में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। इस वक्त हम हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हार टोली हजारीबाग स्थित विद्यालय में, जहाँ के प्रधान अध्यापक जी दिनेश कुमार मिश्रा जी हमारे बीच हैं। और चूंकि अब विद्यालय खोल दिए गए हैं सरकार के निर्देशानुसार, तो बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। और अभी हमने देखा, वीडियो के जरिए प्राप्त हुआ कि बच्चों में कितने उत्साह का माहौल है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र जो है सो की अनुमति दे दी गई, कोई स्कूल आएंगे, लेकिन एक प्रक्रिया है उसे पूरी करनी है कि अभिभावकों को भी अनुमति देना है। एक पत्र दिया गया है, उस पर हस्ताक्षर करनी है। तो इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए हमारे बीच है सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक जी, प्राचार्य जी दिनेश कुमार मिश्रा जी। नमस्कार सर, आपका द नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्ते सर, ये काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा और उसके बाद विद्यालय खुला है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं छात्रों? आज जैसा कि सरकार के आदेश से दिनांक 4 तारीख से विद्यालय आज से खोल दिया गया है जी, और सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए भैया बहन के अभिभावक से घोषणा पत्र लेकर के, उनके विद्यालय आने की अनुमति पत्र लेकर के, साथ ही साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, भैया बहन मास्क में रहें, छोटा सैनिटाइजर रखें, समय समय पर क्लास का सैनिटाइजेशन होता रहे जी, इन सब बातों के आधार पर उन लोगों ने कक्षा प्रथम से द्वादश तक का प्रारंभ किया है जी। आज सरकार का भी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाएगा और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि विद्यालय ये सरस्वती माँ की आराधना का केंद्र है और भगवान से प्रार्थना है कि हम ये सर्वोत्तम विकास करें, प्रिया बहनों का संपूर्ण डेवलपमेंट हो। विद्या भारती योजना के अंतर्गत जिन माध्यमों से हम विद्यालय को चलाते हैं उसमें अपने माननीय प्रदेश सचिव जी का, विभाग प्रमुख जी का, यहाँ के स्थानीय सरकारी तंत्र का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्कूल खोलने की अनुमति देकर के हमारे विद्यालय को प्राण प्रदान किया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। द नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।